नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका नाम है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी है एक राजा की, जो बहादुर है, दयालु है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रोधी भी है। उसके राज्य में उसका एक खास मंत्री है जो हर समय उसके साथ साथ ही रहता है। एक बार की बात है जब वो मंत्री किसी काम से बाहर गया हुआ था और राजा जी पीछे से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तलवारबाजी का अभ्यास करते करते अपनी ही तलवार से राजा की छोटी उंगली कट जाती है। पूरे राज्य में कोहराम मच जाता है। राजा जी की उंगली कट गई। बहुत इलाज कराया जाता है लेकिन राजा की उंगली जोड़ नहीं पाती। उधर मंत्री अपना काम खत्म करके राज्य वापस आता है और सीधा राजा से मिलने पहुंचता है। राजा उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि देखो मंत्री, हमारे साथ क्या हो गया, हमारी उंगली कट गई। इस पर मंत्री कहता है, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मंत्री के इतना कहने की देर थी कि राजा तो आग बबूला हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत मंत्री को मृत्युदंड की सजा सुना दी। वो बोला कि हमारा हाथ की एक उंगली कट चुकी है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जाओ सिपाहियों इसे कारावास में बंद कर दो। वो चला जाता है। राजा कारागार में उससे मिलने जाता है, आखिर था तो खास मंत्री ना। वहां जाके उससे कहता है कि तुम्हारी मरने से पहले अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मंत्री कहता है, महाराज मुझे सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। राजा मान जाता है पर कहता है कि रहना तुम्हें तब तक इस जेल में ही पड़ेगा। मंत्री कहता है जो आज्ञा। राजा वहां से चला जाता है। एक दो दिन गुजरते हैं, राजा को लगता है कि कहीं शिकार खेल के आते हैं। मंत्री जी जो हमेशा राजा के साथ साथ रहते थे अब तो जा नहीं सकते थे क्योंकि जेल में है, तो राजा ने सोचा कि इस बार मैं शिकार खेलने अकेले ही जाऊंगा। बहादुर तो था ही, तो निकल पड़े राजा जी अकेले शिकार पर। शिकार का पीछा करते करते इतनी दूर निकल गए कि रास्ता ही भूल गए और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। और वो ऐसी जगह पहुंचे जहां आदिवासियों का इलाका था। फिर क्या था, आदिवासियों ने पकड़ लिया राजा को और बलि देने के लिए ले जाने लगे। राजा के हाथ पैर बांध दिए गए। बलि दी ही जाने वाली थी कि आदिवासियों में से एक चिल्लाया कि रुको रुको रुको, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो बाकी सब पूछने लगे क्यों। उसने कहा, इसके हाथ को ध्यान से देखो, इस आदमी की तो एक उंगली ही नहीं है और हम खंडित जो है उसकी तो बलि दे ही नहीं सकते। इसलिए राजा को हाथ पैर खोल दिए गए और छोड़ दिया गया। राजा किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने महल वापस आ गए। अपने कक्ष में जाके आराम कर रहे थे, तभी सोचने लगे कि भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर भगवान उस दिन मेरी एक उंगली ना कटी होती तो आज तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मेरी सिर्फ एक उंगली कटी होने की वजह से आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और यही बात तो मेरा मंत्री मुझे समझा रहा था और उस बेचारे को इस सच्चाई के बदले मैंने जेल में डलवा दिया, और तो और मैं उसे मृत्यु दंड भी दे चुका हूं। उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि पूरे इज्जत के साथ उस मंत्री को बाहर निकाला जाए और राज्य दरबार में लेकर आया जाए, मैं वहीं पहुंचता हूं। मंत्री को बाहर लाया गया। राजा भी दरबार में पहुंचे। उसने उस मंत्री को अपनी सारी आपबीती सुनाई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि तुमने तो मुझे ये सच समझाया था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर मैंने तुम्हारी बात को गलत समझा और तुम्हें इतनी सी बात के पीछे मृत्यु दंड सुना दिया, मुझे माफ कर दो। मंत्री कहता है, महाराज आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, आपको मेरी बात की सच्चाई उसका अर्थ समझ में आ गया ना, बस इतना काफी है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राजा कहता है, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ,
तुमने सही कहा था, अगर मेरी उंगली कटी तो मेरे अच्छे के लिए ही कटी, उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूं। पर मुझे एक चीज समझाओ, मैंने तुम्हें जेल में डलवा दिया, इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा, महाराज मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। अगर आप मुझे उस दिन जेल में नहीं डलवाते तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हर जगह मौजूद रहता हूँ, तो आज शिकार पर भी तो मैं ही आपके साथ मौजूद रहता। आप खंडित थे, आपकी उंगली कटी हुई थी, पर मेरी तो उंगली सारी साबुत है ना, तो आज बलि तो मेरी चढ़ जाती। इसलिए भगवान ने मेरे साथ तो और ज्यादा अच्छा किया कि मुझे जेल में डलवा दिया। उस दिन राजा ने निर्णय लिया कि कभी भी किसी बात का सही अर्थ समझे बिना जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगा। पता है, हमें भी सोचना चाहिए उस मंत्री की तरह कि अगर हमारे साथ कभी थोड़ा बहुत कुछ बुरा होता है ना, तो ये सोचिए कि भगवान ने इतना सा कष्ट देके कल आने वाले इतने बड़े कष्ट से हमें बचा लिया है। क्योंकि कल जो मुसीबत हम पर आने वाली है ना, उससे पहले ही भगवान ने इतनी सी मुसीबत देके हमारे कष्ट को हमसे दूर कर दिया, ताकि वो हम तक पहुंचे ही ना। पर भगवान में आस्था जरूर रखिए, तभी आप इस बात का अर्थ समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर भगवान में आस्था है तो मुसीबत में भी रास्ता है। बस अपनी आस्था को हटने मत दीजिए भगवान से, और ये सोचिए कि वो मेरे लिए जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई भी करूँ। मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ, प्रेरक किस्से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अगले ब्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।